हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है अभी बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, मतलब टिफ़िन विफिन सब रेडी हो गया था, उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी। ये बस सीधे टिफ़िन पैक कर रही हूँ मैं, उसी का वीडियो है। तो सबसे पहले हस्बैंड का, आज वो ऑफिस जाएंगे तो मैंने उनके लंच के लिए बनाया था भिंडी, भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी जब तक सीज़न में आएगी तब तक हमारे घर बहुत फ्रिक्वेंटली बनती है, क्योंकि हमारे घर नेहा को और हस्बैंड को भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। इन्हें अगर वीक में 7 डेज़ भी भिंडी मिले तो ये बड़े प्यार से खाएंगे, इनकी फेवरेट है भिंडी दोनों की। फिर उसके बाद भिंडी के साथ मैंने बनाई थी दाल, क्योंकि सूखी भिंडी मतलब लंच में नहीं खाई जाती, पराठे वराठे के साथ तो चल जाती है, बट हस्बैंड का पूरा प्रॉपर लंच जाता है। तो ये थी अरहर की दाल, और इसको मैंने बनाया था सिंपल से छौंक के साथ, मिर्च और लहसुन का छौंक दिया था, और ज़्यादा कोई छौंक नहीं था प्याज व्याज का आज। और साथ में थे मिलेट्स, ये तो तीन चीज़ें थी रेगुलर वाली। फिर इसके अलावा दही है जो जाएगा टिफ़िन में, और स्नैक्स में जाएंगे मखाने। तो ये हस्बैंड का टिफ़िन हो गया है पैक, लगभग डाल दिया मैंने सब कुछ, अब इन्हें पैक करके उनके बैग में रख दें। हस्बैंड का टिफ़िन हो गया था पैक, मैंने उनका बैग लगा दिया है, पानी की बॉटल भी डाल दी है, उनका फाइनल हो गया। अब मैं पैक कर रही हूँ बच्चों का टिफ़िन। तो नेहा के लिए है भिंडी, क्योंकि उसे भिंडी बहुत पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, उसको पता है भिंडी हो तो उसे और कुछ नहीं चाहिए होता, बस भिंडी और रोटी दे दो। और वंश के लिए मैंने बनाई थी आलू की प्लेन सूखी सब्ज़ी, भुजिया, आलू की भुजिया इसको बोलते हैं। कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, मुझे पता नहीं चला, बाद में मैंने जब देखा तब मुझे पता लगा कि कैमरा हिल गया था। दोनों को जाएंगे पराठे साथ में, दो दो पराठे, और बस यही सिंपल सा है। वंश के लिए स्नैक्स में जाएगा मखाना। और मीठे में दोनों का अलग अलग है, नेहा ले जाएगी सिंघाड़े का हलवा बनाया था मैंने, और वंश को ले जाएगा मिठाई। और नेहा को सिंघाड़े का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना पसंद है कि उसे कुछ भी ना हो, मतलब उसने कितना भी उसका पेट भरा, उसे सिंघाड़े खाला पूछ लो तो वो खा लेगी, रात को भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और वंश को ये वाली मिठाई पसंद है, इसे दिल खुशहाल कहते हैं। नेहा का स्नैक्स का ब्रेक नहीं होता है अलग से, तो वो नहीं ले आती, वो ले जाती है तो उसका बचा ही रह जाता है, तो वो कहते चाची मत दिया करो मुझे। और बस इसके बाद फिर ना ये उस दिन की क्लिपिंग है, उसके बाद मैंने दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। ये नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग का है, बस सुबह सुबह उठते ही 4:30 हो रहा है अभी देखिए, और मैं 4:10 तक उठ गई थी। अलार्म तो 4 बजे बज गया था, बट उठने में 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो 4:30 बज रहा है अभी सुबह का। और मैं कर रही हूँ बस वही नाश्ते की और टिफ़िन की तैयारी। ये तोरी की सब्ज़ी है, मैं छौंक दी एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं ये रात को पालक लेकर आई थी कल स्कूल से, रात को नहीं सॉरी कल स्कूल से, तो मैं बनाऊंगी ना पालक के परांठे बच्चों के लिए। तो मैं उसे पालक में रात को साफ वाफ करके धो के सुखा के रख लिया था, अब मैं इसे चॉपर में डाल के मतलब चॉप कर दूंगी अच्छे से, मतलब बारीक वाला चॉप कर दूंगी। और मैं इसमें इसलिए चॉप कर रही हूँ क्योंकि इसमें चॉप करके इसी के साथ में आटा डाल के इसका डो भी बन जाएगा। अगर मैं इसे अलग से हैंड चॉपर में करती ना, फिर वो उसमें भी फैलता, इसमें मिलाना पड़ता है। इसमें ये फ़ायदा कि इसी में चॉप किया, थोड़ा सा मैंने निकाल लिया एक्स्ट्रा, उसकी मैं दाल बनाऊँगी, लौकी और पालक की, सॉरी पालक और चने की दाल। और अभी देखिए मेरा अच्छे से स्मूथ हो गया है, अब मैंने इसमें डाल दिया आटा, और इसमें इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी डाल के इसका डो फटाफट बन जाएगा 5 मिनट में। तो अगर आपके पास सही अप्लायंस हो ना, तो आप मतलब अपना काम जल्दी एफिशिएंटली और मतलब कम टाइम में मैनेज कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो अच्छी क्वालिटी के गुड अप्लायंसेस में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, या आपके काम को मतलब आपके टाइम लिमिट कम करता है। आप जो काम हाथ से या फिर मैनुअली 15-20 मिनट में करेंगे, ये काम साथ के साथ आपका 5 मिनट विद इन 5 मिनट हो जाएगा। तो देखिए मेरा आटा लग गया था मेरा,
और बस मैंने इसे इस जार से मतलब बाहर निकाल लिया है और अब इसको हल्का सा हाथ से स्मूथ कर दूँगी। आई लोग वैसे ही स्मूथ ही बिल्कुल, और बट ना चिकना करके एक जगह किसी बर्तन में रख दूँगी जब रोटी बनाऊँगी या पराठा बनाऊँगी तब उसको, और साथ के साथ इसे भिगो दूँगी मैं जार को, जिससे ना थोड़ा सा ये फूल जाएगा तो फटाफट साफ़ हो जाएगा। मैं इसे तुरंत हाथ के हाथ साफ़ करके अपने जार चाहे छोटे बड़े हों चाहे चाकू वगैरह हो मैं तुरंत धो के साफ़ करके रख देती हूँ। इससे क्या ना एक तो उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है और दूसरे ना वो स्मूथली खेलते तो उसमें दाग वाग नहीं आते। तो ये मेरा काम हो गया। अगर ऐसे मैं मैनुअली करती तो मैं पहले पालक को काटती चॉप करती रफली, फिर उसके बाद मैं उसको हैंड ब्लेंडर में ब्लेंड सॉरी चॉपर में चॉप करती, वो भी छोटा है मेरा तो इतना चॉप करने में काफ़ी टाइम लग जाता, और फिर आटे में मिला के गूंथती तो बहुत टाइम लग जाता। अब देखिए मेरा ये काम हो गया साथ के साथ, इसमें विद इन 3 to 4 मिनट हो गया सारा मेरा काम। तो इधर हमारी तोरी भी लगभग गल के आधी हो गई है, अब इसमें डाल लेते हैं मसाले। और तो मैंने बस धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है और नमक डाला है ताकि गल जाए। बस इसको ये मसाला डाल के और चला के छोड़ देंगे। वैसे भी तोरी बहुत सारा पानी रिलीज़ करती है तो थोड़ी देर में हो जाएगी अपने आप, मसाले भी इसमें पक जाएंगे। तो और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ इस पर कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि भिंडी मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लगती और आलू की सब्ज़ी भी थोड़ी सी मैंने बनाई थी बस वंश के लिए, और मतलब ज़्यादा नहीं बनाई थी तो मैं अपने लिए और बच्चों को दोपहर में खाने के लिए थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी सॉरी इसकी कद्दू की सब्ज़ी बना के जाऊँगी। थोड़ा सा हल्का सा मतलब मसालेदार नहीं बना रही, बिल्कुल भुजिया सिंपल प्लेन वाली। प्याज छौंका है तो प्याज लाल हो गया तो उसमें डाल दिया मैंने कटा हुआ अपना कद्दू, और बस कद्दू थोड़ा सा हल्का सा भुन जाएगा फिर उसके बाद उसमें मसाले डाल देंगे। इधर पीछे बन रहे हैं मिलेट्स, हस्बैंड का टिफिन जाएगा तो वो यही ले जाते हैं, या फिर तो ये वो मिक्स आटे की रोटी ले जाते हैं या फिर मिलेट्स, बस ये प्रीफर करते हैं मिलेट्स को ही। तो पानी में बॉयल आ गया था तो मैंने उसमें मिलेट्स डाल दिए हैं, अब ये खुला पकता रहेगा धीरे धीरे 5-7 मिनट में हो जाएगा। उधर सब्ज़ी हमारी हो ही रही है, और इधर मैंने रात को ना मतलब बैटर उड़द की दाल और चावल भिगो के रखे थे, मुझे इडली का बैटर बना के रखना है तो अगर मैं इसको अभी नहीं पीसूंगी ना तो ये गर्मी बहुत है इसमें अजीब सी स्मेल हो जाएगी, फिर ये किसी काम का नहीं बचेगा, ख़राब हो जाएगा। तो 5-7 5-4 मिनट लगा के इसको पीस लेते हैं, पीस के मिक्स करके रख दूंगी तो शाम को आऊँगा तब तक ये बहुत बढ़िया फर्मेंट हो जाएगा। तो बस यही इसको पीसने के बाद दोनों को मिक्स करके बस रखना है मुझे, तो ये जो बैटर रेडी होगा ना इससे फिर मेरा पूरा वीक चल जाएगा बहुत आराम से। एक बैटर बना के एक बार बस मैं हफ्ते में रख देती हूँ, फिर मेरा पूरे हफ्ते कई चीज़ें बनती रहती हैं। देखिए दाल मेरी पीस गई है, और मैं पहले हमेशा दाल ही पीसती हूँ फिर उसके बाद चावल इसमें पीस देती हूँ, क्योंकि दाल ना बहुत स्टिकी होती है तो वो पीसने में थोड़ी दिक्कत करती है और जार में लगी भी रहती है, तो चावल मतलब आराम से फ्लो ही होता है, वो छूट जाता है निकल जाता है। तो बस दाल पीस ली, अब इसमें पीसेंगे हम चावल और दोनों को मिक्स करके ढक के रख देंगे, शाम तक ये बैटर बहुत फुल फ्लफी पूरा भगोना भर जाएगा इसमें। पीस पीस के मैंने फिर उसके बाद इधर चढ़ा जाता हुआ और फटाफट बना लेते हैं पराठे बच्चों को टिफिन में देने के लिए। और ये जो हमने पालक का आटा तैयार किया है ना इससे आप पूड़ियाँ भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं, ग्रीन ग्रीन सी। ऐसे ही आप बीटरूट का आटा तैयार करके उससे रेड पूड़ियाँ रेड पराठे बना सकते हैं, वो भी दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, हेल्दी तो होते ही नो डाउट, फाइबर भी ऐड हो जाता है और जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं पालक के बीटरूट के। तो मैं कभी कभी ना ऐसे चेंज करके बना देती हूँ, कभी दाल के पराठे कभी पालक के, बीटरूट के मैं थोड़ा कम बनाती हूँ बट विंटर में बनते हैं बीटरूट के पराठे हमारे ज़्यादातर। तो ये बस पराठे हो गए, फटाफट सेक लेते हैं, इसके बाद फिर मैंने साथ में रोटियां सेक ली थी अपने ले जाने के लिए स्कूल। और चलिए पराठे होने के बाद अब लगा लेते हैं टिफ़िन, सबका टिफ़िन लगना है। तो ये सबसे पहले बटर पेपर सबके हिसाब से फाड़ वाड़ के तैयार करते हैं, और ये सबसे बच्चों का टिफ़िन। और टिफ़िन पैक होने तक बच्चे भी आ गए थे उठ के, तो जब उन्होंने देखा कि मतलब मम्मी क्या बनाया है, मैंने कहा कद्दू की खट्टी मीठी सब्ज़ी दोपहर के लिए और अभी के लिए आलू की, तो नहीं हमें पराठे बनाए हैं तो हमें साथ में कद्दू की सब्ज़ी देना खट्टी मीठी वाली। तो पराठे या पूड़ी के साथ ना कद्दू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, और मैं आपको दिखाना भूल गई थी, मैंने इसमें सिर्फ हल्दी नमक धनिया नहीं डाला था, हल्दी नमक लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा जैगरी पाउडर डाला था जिससे खट्टी मीठी सी बन गई। तो दोनों बच्चों के टिफ़िन के लिए हो गई, और ये थोड़ी सी बची है मैंने रख दी, दोपहर में खा लेंगे कोई भी। बस इनका टिफ़िन रेडी हो गया है।
और ये बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद फिर ये मेरा टिफ़िन, मैंने अपना पैक कर लिया था। हस्बैंड का मैं पहले ही कर चुकी हूँ, उसका मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, कैमरा ऑन नहीं था। सुबह सुबह काम की इतनी मतलब भागा दौड़ी होती है ना कि इतना याद नहीं रहता कि कैमरा ऑन है कि ऑफ है। इसके बाद फिर ये है सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग, ये छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन था, और शाम को भी बस वही एज यूजल मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई, कुछ तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, सिर में बहुत ही पेन हो रहा था मुझे, माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो कभी कभी हो जाता है वो ट्रिगर, तो बहुत परेशान करता है। तो बन रही है सब्जी नाश्ते के लिए। आज भी तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत मतलब लो फील हो रहा था। जब माइग्रेन होता है ना तो कई दिन तक उसका इम्पैक्ट रहता है, एक दिन में ठीक भी नहीं होता है, वो दर्द आपका चला जाएगा बट उससे में भारीपन, सुस्ती, चिड़चिड़ाहट वो रहती रहती है कई दिनों तक। तो ये मैं बना रही हूँ सब्ज़ी, आलू और बीन्स, फ्रेंच बीन्स नहीं है ये, जो फली नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, क्या तो इसको बोड़ो कहते हैं, कई जगह इसको रमास भी कहते हैं, कई जगह इसको लोबिया कहते हैं। तो बस ये आलू और उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, मसालेदार सी हल्की फुल चटपटी सी, और साथ में हम लोग रोटी बना लेंगे। बस आज यही है, ब्रंच कह लीजिए आप, लंच ब्रंच ही हो गया था हमारा, तो सुबह ही खा लेता फिर किसी ने दोपहर में कुछ खाया ही नहीं, और मैंने इसीलिए बनाया भी था प्रॉपर सब्ज़ी रोटी कि अच्छे से खा लेंगे बच्चे फिर दोपहर, क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती तो बहुत कुछ फैंसी या बहुत कुछ अलग से बनाने का हिम्मत ही नहीं होती है। माइग्रेन का दर्द तो इतना बुरा होता है कि जिसको होता है ना उसे ही पता है। तो सब्ज़ी में सिंपली मैंने प्याज काट के छौंक दिया था, जब ये लाल हो गया तो आलू और ये बीन्स डाल दी, और जब ये थोड़ी भुन गई तो इसमें डाल दी टमाटर। अब इसमें जाएंगे मसाले, धनिया पाउडर, तो फिर इसके साथ जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और जाएगा नमक। बस ये सारे मसाले डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से खूब चला चला के, जिससे हमारे सारे मसाले सब्ज़ियों पे कोट हो जाएं, और इसी के साथ में थोड़े से मसाले मतलब भुन भी जाएंगे। तो बस ये मसाले भुनने के बाद, अगर इस स्टेज पे अगर जैसे आपको ना इसको टिफ़िन में देना है बच्चों को, तो इसी स्टेज पे आप गैस कम करके और ढक के छोड़ दीजिए, ये टमाटर अपना पानी रिलीज़ करेंगे उतने में ये सब्ज़ी पक जाएगी। और आलू हमारे लगभग ना 40-50% तक पक चुके हैं, और जैसे हमें घर पे खाना था और मुझे थोड़ी सी मतलब वैसी चाहिए थी गीली गीली सी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, यहाँ पे पानी डाल के इसको ढक दिया है, और थोड़ी देर में ही इसमें उबाल आ जाएगा और गैस सिम कर दिए, आलू भी हमारे पक जाएंगे और सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। बस सिंपल सी सब्ज़ी आज के ब्रेकफास्ट या ब्रंच जो भी आप कह लीजिए, और साथ में मैंने बनाई थी रोटियाँ, बस फटाफट बच्चों ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था, फिर उसके बाद मैंने अपनी दवा ले ली थी क्योंकि सिर वाला दर्द था। मैं एलोपैथी दवाई नहीं लेती हूँ उसके लिए, मैं होम्योपैथी की दवा लेती हूँ, मैं दिखा रखा है मैंने होम्योपैथी डॉक्टर को, बहुत अच्छी दवा है। तो ये था हमारा आज का ब्रंच, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पढ़ाया उढ़ाया, मैंने उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, और थोड़ी देर आराम भी किया, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत लो फील हो रहा था, मौसम भी ऐसा ही था बहुत। तो शाम को आए थे एसी वाले भैया सर्विस मतलब एसी रिपेयर करने के लिए, अर्बन कंपनी से बुलाया था, बुक किया था, तो तुरंत ही आ गए थे नेक्स्ट जो स्लॉट होता है टाइमिंग का। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे बट पेंडिंग ही पड़ा था, हो ही नहीं पा रहा था, कभी हस्बैंड घर पे नहीं रह रहे थे, कभी मैं नहीं, और एक जने को होना पड़ता है ताकि वो लोग मतलब बताते हैं, पूछते हैं वो लोग, बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों के साथ नहीं हो सकता। तो भैया आ गए थे, हो गई रिपेयर, ऐसी रिपेयर नहीं सॉरी क्लीन करानी थी, ये फोम क्लीनिंग करानी थी, तो ये भी काम हो गया, कई दिनों से पेंडिंग था। वेदर ना संडे वाला दिन था जिस दिन बहुत बारिश हुई थी, बहुत 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 ही बारिश हुई थी, बाहर भी अभी भी बारिश ही हो रही है। और सुबह मैंने मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी धो दिए थे थोड़े से नाश्ता करने के बाद, कपड़े बचे हुए थे, फिर ये था कि मौसम ऐसा ही पता नहीं कब तक रहेगा, तो धो दिए जाएँ, धीरे धीरे सूख तो भी जाएंगे, तो कपड़े भी धोए थे मैंने, तबीयत ठीक थी नहीं। बट तबीयत कैसी भी हो, अगर आप मॉम हैं और वर्किंग हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप नेक्स्ट डे करें या फिर आप छोड़ दें किसी, क्योंकि नेक्स्ट डे से वीक स्टार्ट हो जाएगा, फिर वही भागा दौड़ी शुरू हो जाएगी जाने के लिए ऑफिस, स्कूल, बच्चों का स्कूल। तो और हमने जब से भी एसी लिया है ना तब से हम हमेशा अर्बन कंपनी से क्लीन कराते हैं, बहुत सुपर क्लीनिंग होती है इन लोगों की, इतनी अच्छी क्लीनिंग कि आप मतलब पूछिए मत, इतना एकदम एसी बिल्कुल न्यू हो जाता है बिल्कुल, और कहीं कोई मैस नहीं फैलता। ये देखिए कपड़े जो सुबह से मैंने धो के रखे थे इसे हम सुखा ही नहीं पा रहे थे, फिर मैं और नेहा हम छत पर लेकर आए सुखाने के लिए, और जैसे ही हम इस कमरे में आए अंदर सुखाने के लिए, और बाहर बारिश का हाल देखिए आप, मतलब ये बारिश सुबह से हो रही है आज, बीच में कोई 15-20 मिनट आधे घंटे के लिए बंद हुई होगी, अदरवाइज़ बंद ही नहीं हुई है, सुबह से बारिश हो रही है। फिर हम दोनों इसी कमरे में फंस गए, और हम इसका फिर नीचे गए हम आधे पौन घंटे के बाद,
ये कम तब भी नहीं हुई थी, फिर ये हुआ कि चलते हैं, नेहा बोली चाची चलते हैं नीचे, ये बंद नहीं होगी। फिर शाम हो गई थी, शाम को फिर बारिश जब हो जाती फिर पूछने क्या, सबके पकौड़े की फरमाइश थी, फिर मैंने बनाए मूंग भिगो दी थी, हरी वाली मूंग, तो बस शाम को मूंग की दाल थी, सॉरी मूंग पीस के और उसके पकौड़े बनाए, क्योंकि बेसन के पकौड़े ना थोड़े कम पसंद करते हैं घर में मेरे, सबको दाल वाले पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यही थी आज का डिनर और आज का व्लॉग। देखिए सब मौसम को देख के कितने मस्ती में है, सब बड़े मज़े में है आज। बस मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी बट अब ठीक फील हो रहा था। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अपना सपोर्ट देने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।